ठीक है, दो गोबर की पाथियाँ ली, उसको 20 लीटर पानी में डाला और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जी सर। उसमें क्या होगा, लाल लाल रंग का एक पानी निकलेगा जी, ठीक है जी। उस पानी को आपने स्प्रे मारना है, जब मारना है जब आपके फूल उगे हैं जी सर, ठीक है हाँ। जब कभी भी फूल, जैसे इसमें फूल आने शुरू हो गए ना जी सर, तो उसका स्प्रे करना जरूरी है जी सर, ठीक है। इससे क्या है, जो फूल है वो गिरेगा नहीं, ठीक है, टिका रहेगा और अच्छे से। फूल गिर भी जाते हैं इसके, इसीलिए तो मैं जो ये गोबर का पानी का उसको साफ करके इसका स्प्रे मारना है। और जैसे गोभी का है फूल, किसी भी जिसका भी फूल निकल रहा है जी सर, पत्तों पे उसका डायरेक्ट स्प्रे मारना है। कब तक ये सर, ये हफ्ते में 2 बार या 1 बार 3 बार, जब भी फूल निकले। ओके सर, समझ, ठीक है। जैसे अभी निकले हुए हैं हाँ। तो ले आओ, ठीक है, और सब पे मार दो जी। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरे सर, नंबर पे आप जो है बाजार से जी सर, सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा नाम की एक चीज़ होती है जी सर, ठीक है, मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर है उसको लाना है, एक एक दो दो मुट्ठी उसको गोबर की खाद में पहले मिला देना है, ठीक है जी। और हल्का सा गुड़ वाला पानी, ठीक है, गुड़ 2-4 लीटर पानी में गुड़ डाल के थोड़ा सा भिगो के उसको मिक्स कर देना है जी। और उस गोबर को 2-4 दिन छोड़ देना है जी। फिर वो वाला गोबर यहाँ पे डालना है, हल्का 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 डाल के, ठीक है, और उसको अभी लगातार डालते रहो जब तक इसके फल आ रहे हैं जी सर। जैसे ये गोभी के हमारे देखो उधर पीले भी पड़ रहे हैं गोभी के, हाँ, तो ये लगातार डालते रहो, ये दोनों चीज़ों के, ये दोनों चीज़ें हमारी इसलिए हैं ताकि हमारे इसको कोई कीड़ा ना लगे मिट्टी में से जी सर। गोबर कितना लेना है, सूखा है, पाथिया लेनी है? नहीं, वो ताज़ा गोबर लेना है, ताज़ा, ठीक है, ताज़ा गोबर लेना है। और ताज़ा गोबर नहीं, उसी तक गोबर छिटवा के रखा है ना जी सर, उसी है, मैं अभी दिखाऊंगा। दूसरा क्या है कि अब जो अगर हो सके कहीं से अगर बिल्कुल ताज़ा गोबर मिल जाएगा सर, जैसे बिल्कुल ताज़ा गोबर होता है वो अगर लाए हो तो उसको एक ड्रम में डाल देना है, 1 किलो ताज़ा गोबर में इतनी सी मुट्ठी 100 ग्राम गुड़ डाल देना है, उसको फिर 3-4 दिन छोड़ देना है, फिर वो वाला पानी इसको देना है। ओके सर, ठीक है, वो भी हफ्ते 1-10 दिन, जब जरूरी, जब जैसे फल दे रहा है, बहुत ज़रूरी है ये सब करना जी, ठीक है। उससे क्या होगा, कुदरती यहाँ पे केंचुए पैदा हो जाएंगे, ठीक है, और मिट्टी नरम हो जाएगी, बिल्कुल और नरम रहेगी। जो आप कह रहे हो ना प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम कह रहे हो कि जो ये जो ज़्यादा पोली रहेगी और ये ज़्यादा चिकनी है ना, तो वो वाली दिक्कत जो है आपकी वो कम हो जाएगी सर। जैसे हमारे शिमला मिर्च पे देखना, काले काले कीड़े ऐसे लगे दिख रहे हैं सर, यहाँ पे पत्तियाँ काट दे रहे हैं, इसमें ये देखो कौन से ये कीड़े कौन से हैं, एफिड से सर, ये देखो ये मेरा ये देखो, ठीक है, एफिड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मट्ठा जानते हो क्या होता है, लस्सी होती है, ठीक है, मट्ठा चाहिए हमारे को, तो मट्ठा ले आना है, उसको 2-4 किलो खट्टी लस्सी कहीं से खरीद लाओ, जो लोग हलवाई वाले होते हैं कहीं देते हैं उनसे 2-3 किलो वो खरीद लाओ और उसको एक ड्रम में डाल दो, ठीक है, उसमें पानी भी मिक्स करना हाँ, उसमें 10 लीटर पानी डाल देना जी सर, और फिर उसमें थोड़ा सा नमक जी सर और थोड़ा सा गुड़ ये डाल के उसको फिर 4-5 दिन छोड़ देना, ठीक है। उसको जितना ज़्यादा देर छोड़ोगे 20-25 दिन उतना बढ़िया है, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर उसको लेना और उसका स्प्रे मारना, ठीक है। कैसे इसको स्प्रे मारना है, उसको हल्का करके बिल्कुल साफ करके यहाँ पे छिड़काव दे देना पूरा, समझ गए, और ये लगातार देना है जब तक, अगर ये कीड़ा यहाँ लगा, हो सकता कल को वहाँ लग जाए, फिर बढ़ गया सर, इसी में लगा हुआ था फिर इसमें आ गया, हाँ वही कह रहा हूँ कि इसको तो आपने हर हफ्ते 10 दिन में देते ही रहना है। ओके सर, ठीक है, किसका हमने दिया है, खट्टी लस्सी का, खट्टी लस्सी आती है, ठीक है। इसको अब और अगर तेज करना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो हमारे कीड़े भी मार दे और एक ही टाइम पे खाद का काम करें, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ये मिट्टी कहाँ से मंगाई आपने, किसी खेत से मंगाई? ये सर ने मंगवाई थी खेत से, मंगवाई थी खेत से, है ना, खेत से आई थी, तो उन्होंने ऊपर से उतारी थी? नहीं सर, ये प्लाट खुद रहा था, ये वहां से आई थी, प्लाट से आई थी, एक्सकैवेशन से, है ना, तो फिर ये अगर और मिट्टी चाहिए हो तो फिर वहीं से आएगी, मे भी आ जाएगी, है ना। तो मान लो ये एक्सकैवेशन वाली चाहिए हमारे को, जमीन ऊपर वाली नहीं, 3-4 फुट वाली, डाउन 3-4 फुट वाली हमारे को मिट्टी चाहिए जी सर, और उसमें मैं लिख देता हूँ वो 30 किलो मिट्टी चाहिए, ये 200 लीटर का ड्रम है, इसमें 30 किलो मिट्टी डालनी है जी सर, ठीक है।
और एक अरंडी का तेल होता है, ठीक है, अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, अरंडी का तेल लेना है 1 किलो, और वही 1 किलो गुड़ लेना है, ठीक है, और इनको सिर्फ 24 से 48 घंटे रखना है, जी सर, 2 से 3 दिन, सिर्फ 2 से 24 घंटे के बाद वो बदबू देना शुरू कर देगा, 24 घंटे बाद उसको इस्तेमाल कर लेना है। फिर ये 200 लीटर का बताया मैंने, जी सर, ठीक है, 200 लीटर का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा सरेक में माल, ये कितने हैं ड्रम, 50 के आसपास, 50 हैं, तो अगर मैं 200 लीटर को 50 से करूं तो ये कितना हुआ, मुश्किल से 4 लीटर, तो 4 लीटर जिस दिन पानी देना हो, जी सर, ठीक है, तो ये देना है आपने, और उसको क्या करना है, साथ में छिड़कना भी है और ज़मीन में भी मिलाना है, समझ गए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपकी जो 3-4 चीज़ों की जो दिक्कत है कीड़ों की, वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है, और ये जो मिट्टी आपकी भुर सख्त लग रही है आपको, वो भी सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा बहुत इसमें साथ में बुरादा डालते जाओ, लकड़ी वाला, ठीक है, वो चाहे इतना मोटा डाल दो, कोकोपीट आती है, कोकोपीट खर्चा करोगे अगर आपकी, तो लगे होंगे ना कारपेंटर ग्रूमटर आसपास लगे होंगे, हाँ यार पास में तो मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, हाँ वो ले आना, कारपेंटर लगना है, कारपेंटर लगना है, तो सिर्फ प्लाई का ना पाना, समझ गया सर, लकड़ का पाना, लकड़ का पाना है, मरंडी का या किसी लकड़ का, उदा बुरादा चक के रखना पहले या ऐसे डाल देना डायरेक्ट, अगर भिगो के रखो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होना होगा, ठीक है, उसको भिगो के 10-15 दिन भिगो के उसके बाद अगर डालोगे तो बहुत अच्छा है, और उसमें थोड़ा सा गोबर भी डाल देना जब भिगोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, तो अदरवाइज क्या है, तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो, तो डायरेक्ट पतला सा, जी सर, थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करना, ऐसे नहीं कि सारा डाल दिया, मिट्टी समझ लो सर बंद हो जाना चाहिए, हाँ, ताकि धूप डायरेक्ट मिट्टी को ना लगे, ओके सर, ठीक है, और एक आप वो जूट बैग होता है, जूट बैग क्या कहते हैं, बोरी, नॉन वोवन जिहड़ा होंदा वा, कपड़े टाइप, कपड़े टाइप दा नॉन वोवन है ना, उदे नाल इहनूं सारा कवर कर दो, देखो इसका टेम्परेचर तुम्हारे पास टेम्परेचर वाली भी होगी, वो पठानकोट होगी वैसे, यहाँ नहीं होगी, तो वो इसका टेम्परेचर देखना है कि ये 32 डिग्री से ऊपर ना चले जाए, चलो अभी तो नहीं जाएगा, गर्मियों में देखना, गर्मियों में, हाँ, तो आपने इसको कवर कर देना, ठीक है, समझिए सर, गर्मी में बहुत पानी देना पड़ता है, सूख जाते पटाख से, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, उसको कवर करना, और ये धीरे ना क्रैक हो जाएगी, ये मेरी छत पे भी है, ये क्रैक होनी शुरू होगी, अच्छा, पिचक नहीं और क्रैक होनी शुरू होगी, ठीक है ना, ये वही है मैंने, हाँ वही है, इससे मोटी हैवी वाला जो आता है, ठीक है, वो ड्रम चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा उससे कम है, तो आपने इसको कवर कर देना है, ओके सर, ठीक है, और अभी पाला पड़ेगा, जी सर, तो पाले में उसको ब्रोकली को कवर करना होगा कभी रात को, सर वो हमारे पास अभी वो कपड़ा में हरा वाला जो नहीं होता है, हाँ, 75 वाला वो लाया था मैं, हाँ, अभी हमारे पास रखा है, ऊपर से नीचे तक मैं ऐसे बांध दूंगा, हाँ हाँ वो भी बांध लो, ठीक है, ओके सर, बांध लो, पूरा तो नहीं कवर करना पड़ेगा, पूरा कवर करना चाहिए, अभी तुम्हारी ब्रोकली में दिक्कत आएगी, इसमें गोभी में सर, जैसे ये देखो किसी किसी में दूसरे कलर की गोभी दिख रही है, हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो कोई नहीं, ये सर देखो, ये देखो दूसरे कलर की हमें दिख रही है, इस पर वो स्प्रे मारो जो मिट्टी का बता रहा हूँ, जी सर, ये वाला ना, ये जो बताया मैंने 30 किलो मिट्टी, मिट्टी जमीन वाली होनी चाहिए, नहीं पड़ी है हमारे पास, दिखा देंगे, हाँ 3-4-6 फुट नीचे वाली होनी चाहिए, नीचे वाली, ये इसमें भी ये दिक्कत है, समझ लो सर हमारे हिसाब से, हाँ कोई बात नहीं है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, तो मेनली ये है, और जब आप दोबारा से नया ड्रम बनाओगे तो नीचे वही बजरी, अभी सीजन सर क्या है, जो हम अभी जैसे हमारे पास 6-7 ड्रम पड़े हुए हैं, तो मैं कौन सा सीजन चला, मैं क्या, तो अभी सारी जितने तरह के साग हैं, जी सर, ठीक है, पालक बो सकते हैं सर, पालक मेथी, जितने मेथी, कस्तूरी मेथी, ठीक है, ये साग भी कई तरह के होते हैं, जी सर, ना 3-4 तरह के साग हैं, ये सारे लगा सकते हो, जी सर, और ये तुम्हारी गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बैंगन, है ना, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च एक लाल रंग की होती है, एक पीले रंग की होती है, है ना, ये सब चीज़ें, और जितनी ज़्यादा इनकी, क्योंकि हमारे को क्या है कि इससे एक परिवार नहीं चलेगा, है ना, और चीज़ें हमारे को, जी सर, तो उस जितने ज़्यादा ड्रम कर सको उतना बढ़िया, ओके सर, बाकी यहाँ डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कर सकते हैं डायरेक्ट कर सकते, वो तो फिर केमिकल को आगे पता, वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी ना, हाँ वाटर प्रूफिंग यार, वो 300-400 रुपये का आंदा है, वो बिछा के एक जियो फैब्रिक नाम की कपड़ा आंदा है, वो थल्ले बिछा के ऊपर सिस्टम कर सकते हैं, जे वो करना होगा वो तो मैं दस दाँगा, अजय फॉर द टाइम मैं कर यही करेंगे, ठीक है, तो ये वो वास्ते ही है,
जी सर, शेड वास्ते जी है ना, थोड़ा डाउन कर रहे हैं इनको। ये सर थोड़ा ज्यादा ऊंचा था तो उड़ जाता था, अब इसको थोड़ा और डाउन कर लेंगे। 4 फीट का रखेंगे ज्यादा, जहां हवा ज्यादा लगती है ना सर, छत के ऊपर है सबसे ज्यादा। ठीक है, एक मटर लगा हुआ, आपने मटर नहीं लगाया हुआ अभी सर? लगाया है वो, चाहता नहीं लगे हैं, नहीं चले नहीं वो, मटर लगा हुआ अभी और फ्रांस बीन लगा हुआ। ठीक है, फ्रांस बीन आने वाली आनी चाहिए। ठीक है, इधर सर इसमें जैसे और ये नींबू वींबू लगे हुए हैं सर, देखो इसमें लगा हुआ है हमारा, इसमें आगे नींबू लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं। अब देखो ये अमरूद लगा हुआ है ना, ये नींबू है तो नींबू लगा हुआ है, तो आपने इसके आसपास साग लगा दो या धनिया लगा दो, कवर हो जाएगी, ताकि हमारे को ये जो है इसका टेम्परेचर कम रहे। कभी भी एक गमले में एक चीज नहीं लगानी, कम से कम दो, तीन लगा सको तो और बढ़िया। ठीक है ना, अभी गाजर भी लगा सकते हैं, मूली भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी नरम उस तरह ही साफ करें। बट ये जितने भी हैं इनके अंदर आप मेरे उधर आओगे कभी देखोगे तो मैंने हर एक चीज में दो दो तीन तीन चीज, और नहीं तो इसमें फूल लगा दो। आपका सर कहाँ पे है? मेरा पिंजौर में है, बट अदरवाइज आप और नहीं तो गेंदे के फूल लगा दो। अगर आप कुछ नहीं लगा सकते हैं ना, लेकिन ये खाली जगह नहीं छोड़ोगे। ओके सर, ठीक है, गेंदे के फूल का वो ले आओ, बीज ले आओ तो, और फूल एक भी नहीं लगाया हुआ आपने, फूल नीचे तो यहाँ पे तितलियाँ नहीं आएंगी, यहाँ पे वो मक्खियाँ नहीं आएंगी, तो वो कैसे तुम्हारी पैदावार बढ़ेगी? यहाँ पे मक्खियाँ भी आनी चाहिए, चिड़ियाँ भी आनी चाहिए, है ना, तो चिड़ियों के लिए हमारे को पेड़ भी चाहिए, तो केला लगाओ यहाँ पे। केला ड्रम में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, एक G9 का आता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला केला लगाओ, और जितने तरह के भी लगा सकते हो पेड़ वो कोशिश करो। और उसके लिए क्या है, ये जैसे आपने आधा काटा है, अमरपाली अंब भी लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा सर, ऐसा लेकिन वो जाके पूछना पैंदा है जेड़ा फैलू गया नहीं हो गया, नहीं फैलन गया नहीं, वो इधर भी चीज देगा ना, अमरपाली नाम का जिम्मे है सर। ऐसा है, मेरे चाचा जी जो है ना वो लुधियाना में रहते हैं, उनकी नर्सरी है वो बीर पैलेस के पास, वो बहुत बड़ा काम करते हैं, मतलब बहुत बड़ा काम करते हैं, तो उनके यहाँ वो बोल रहे थे कि आना हमारे पास, उनके मतलब वो जो अच्छी चीज देंगे ना, हमको तो ठग नहीं सकते ना, उनको तो पता है, लेके जाएंगे वो यहाँ से लेके घर तक छापा मार सकते हैं, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास आना जो आप बताओगे, अमरूद नींबू, पहले वहाँ हमने देखा खुद, इतने छोटे छोटे जितने देखो नींबू आगे लगे, इससे ज्यादा ज्यादा उसमें नींबू लगे हुए, बिल्कुल एक थाई ये किन्नू भी देखा सर हमने, इतने बिल्कुल बिल्कुल। अब हिंदुस्तान इस लेवल की तरक्की कर चुका है कि हमारे गमले में जो है अच्छे भले ये लग सकते हैं, थोड़ा सा हमें पूछ के थोड़ा सा करना पड़ेगा कि वो वैरायटी ऐसी हो। हाँ हाँ, वो कह रहे थे वैरायटी वहाँ लोकल मिलती है, बाकी उसके लिए ड्रम आपने ना ऊपर से उसको ऊंचा रखना है, समझ गया सर, ये आधा नहीं काटना है उसको, समझ गया सर, और ऊपर से उसको 4-5 इंच नीचे छोटे कुछ उगाने के लिए, जी सर, जैसे साग सूग उठाने के लिए उतना काट दिया, धनिया जैसे के लिए, बाकी ड्रम को इतना बड़ा ही रहने दो। ओके सर, ठीक है, और नीचे उसके पानी निकालने के लिए जगह रहने दो और उसको भर दो, और जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतनी यहाँ पे चिड़िया आएंगी, उतना ज्यादा यहाँ पे अच्छा माहौल बनेगा, जगह तो बहुत है, पेड़ सारे ही लग सकते हैं, डिपेंड करता है अपन मिलते गए, ईवन कटहल भी लग जाता है। ठीक है, लेकिन कटहल की वो वरायटी नहीं मिलती इतने, तो इस टाइम तुम जाके जड़े बंदे नो जानकारी होए ना उनके को जाके ले आओ। नहीं कुछ आइटम बता दो ना, जिदा थाई जिदा नींबू है थाई वरायटी नहीं, जैसे अपने तितलियां और चिड़िया वगैरह आती रहे उनके लिए, उसके लिए जो जितने फूल जितने तरह के भी फूल है फूल लगाए ना उनके लिए, जो जिस सीजन का फूल है वो जाके लिया, मैं कुछ नहीं बोल रहा कि ये लगाओ वो लगाओ, नहीं वो तो एवरग्रीन जो है वो आपका गेंदा है, 3-4 तरह के गेंदा आता है, एवरग्रीन सस्ता सुंदर, क्योंकि उसका तो किसी की शादी में जाओगे ना उन्होंने हार चढ़ाया हुआ, पूजा में जाओगे वही ले आओ, वो जब सूख जाएगा वो लगा दो। ठीक है कोई उस तरह के चक्कर करने की, लेकिन आपके ना तो यहाँ पे फूल है, इलायची का भी लग सकता है, देखो उसका लग जाएगा, मेरे घर में लगा हुआ है, अमरपाली इलायची का जो है ना उसका सिर्फ पत्ता काट के फिर इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी इलायची लगेगी नहीं, जो यहाँ लगेगा ना, जैसे मेरे घर में क्या है इलायची लगी हुई है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ पत्ते को काट के अपनी चाय में डाल देते हैं, तो उसका वही स्वाद आता है जो इलायची का होता है। वहाँ पे सर ये चीज बता रहे थे, मिलेगी कागजी नींबू है, सीडवेस नींबू है, किन्नू है, मौसमी संतरा, अनार, अमरपाली अमरूद, बारह मासी अमरूद, अमरूद लाल अमरूद, चीकू, बब्बू, गोसा, आड़ू, आंवला, लौंग, इलायची, ये सब बता रहे थे वहाँ पे मिल सकता है। हाँ तो उसमें आप जो अमरूद जो नींबू है वो 3 तरह का लगा दो, जी सर,
जैसे कागजी नींबू है जी, एक बारामासी है जी, और एक अचार वाला, ठीक है, ये तीन लगा दिए। फिर एक अनार ले आओ, फिर एक ये नींबू ये आता है अमरूद आता है थाई वाला जी सर, ठीक है, उनको कहना थाई वाला दे दो मेरे को जी सर। जो केला है वो G9 वाला दे दो जी सर, ठीक है। ऐसी और भी दो चार चीज़ें हैं जो आप लगा सकते हो, वो लगाओ। जैसे बब्बू गोशा भी लग सकता है जी, ठीक है, सीताफल भी लग सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों को लगाने के लिए जो आप मिट्टी का मिश्रण तैयार करोगे और जो खाद डालनी है वो रेगुलर डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसको इतने से इतना बड़ा बनना है, तो खाद हर हफ्ते डालनी जरूरी है, हर 15 दिनों में। ये नहीं सोचना कि फिर खाद नहीं डाली तो अभी थोड़ी थोड़ी यूरिया डालने वाली है, अभी यूरिया नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी डालनी। ये जो मैंने अभी बताया ना आपको जी सर, जिसमें गोबर में गो डाल रहा हूँ, वो यूरिया की रिप्लेसमेंट है। अच्छा ओके सर, ठीक है। डीएपी की रिप्लेसमेंट है, हार्मफुल केमिकल है नहीं, नुकसान नहीं पहुँचूगा। दूसरा ये है कि जैसे डीएपी का सब्स्टिट्यूट क्या है ना, डाइफॉस्फेट का या फॉस्फेट का, तो उसके लिए आपको पता होगा बेल पत्थर, जानते हो बेल पत्थर, बेल दा जड़ा हैगा जी, तो उसका फल ले आना है, उसको तोड़ देना है, उसको क्रश कर देना है, उसको पानी में डाल देना है, साथ में गुड़ डाल देना है, उसको ही सड़ने देना है 5-6 दिन, हद 20 दिन 21 दिन। जब मान लो वो झाग बननी बंद हो जाए, उसमें गुड़ और डाल देनी है, तो वो डीएपी की एक तरह की रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो उसका पानी डालोगे तो डीएपी हो गया तुम्हारा, है ना। तो जैसे जब पेड़ लगाओगे तो तुम्हारे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बोरेक्स नाम के एक और तत्व होता है, ठीक है। तो घर में सुहागा होता है ना, जैसे गला खराब हो जाता है सुहागा, तो उसको तवे पे गर्म किया जी सर, फिर उसको जो बाकी बचा उसको गोबर में मिक्स कर दिया जी सर, गोबर में हल्का सा पानी डाल के उसको 10 दिन गोबर में छोड़ दिया, फिर वो वाला गोबर डाला, तो तुम्हारी बोरेक्स की कमी भी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हर चीज़ का कुदरती इलाज भी है जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा तेज जो मैंने आज दवाई बताई है, वो ये बताई है, 30 किलो मिट्टी जमीन वाली 6 फुट नीचे से जी सर, ठीक है, उसके अंदर 1 किलो अरंडी का तेल जी सर, ठीक है। अगर अरंडी का तेल ना मिले, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ ना मिले, महंगा हो या कुछ हो, तो नारियल का तेल डाल देना जी सर, जो बालों में लगाते हैं, जो बालों में लगाते हैं, ठीक है। और 1 किलो उसमें जैगरी डाल देना, उसको 2-3 दिन, ये 200 लीटर का मैंने हिसाब बताया है, 200 लीटर एक ड्रम का, एक ड्रम का तो आप हिसाब लगा लो, जैसे अरंडी का तेल अगर 100-200-300 रुपये किलो आएगा, तो मतलब उतना की खर्चा है आपका जी सर। अब मान लो ये खर्चा भी नहीं करना आपने अरंडी का तेल, कोई बात नहीं, चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, अगर मान लो अरंडी का तेल नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता, तो नारियल का तेल नहीं मिलता, तो किसी और तेल के चक्कर में ना पड़ना, फिर बगैर तेल के ही बना लेना, ठीक है। जो तुसी यही आपा पॉइंट ते आए थे ना कि 30 किलो अपनी मिट्टी होगी, 1 किलो नारियल दा तेल, या मतलब कि ओदा कैस्ट्रोल ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल, इस तो अलावा भी तुसी एक चीज कही सी, ऐसी नहीं यहां लिखा है, तीन चीजें बस, जैगरी, जैगरी बस, गुड़, तीन चीजें बस। देखो जड़ी नमक ते जैगरी, ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी हर एक च पा सकते, ठीक है, काला नमक, सेंधा नमक थोड़ा थोड़ा, ते गुड़ ज्यादा, हर एक चीज़ पा सकते, उन्हें साड़ी ताकत बता देनी, ठीक है। तुसी इन्ना करो, जिन्ना बड़ा वधिया कर लिया, तुसी बना लिया सारा सिस्टम, हाँ, जितना सब पता नहीं था उसने, उस हिसाब से तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, अब कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि एक का पानी दूसरे में चले जाए, टिप्पर वाला सिस्टम, नींबू लगे हुए, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कागजी है जी सर, हाँ कागजी नींबू है, उस दीवार दे नाल नाल पेड़ लगाने, ठीक है, क्योंकि असीं दीवार दे नाल असीं चाहुंदे आ इह बचा रहे, हवा हुआ इहनूं जे इह बचा रहे, इह हवा बचाते, ठीक है। उह जद आपे वड्डे हो जाणगे, उह आपे सहन जाणगे, ठीक है। पेड़ नूं जिन्ना हिलावां करांगे ना, उन्ना होर वधेगा, ठीक है, उन्ना होर ताकतवर होएगा। जिद्दां आपां मसल बॉडी चुकदे हां, वेट चुकदे हां, उद्दां ही पेड़ जिन्ना हिलदा है उन्ना होर ताकतवर लंबा होंदा, उच्चा होंदा, ठीक है। तो मेरा ख्याल आ जाता है, इन्नी की लोड़ है।
इस तो ज्यादा अपन लोड नहीं है टकरा पाएंगे। और नाल छिड़क देना सारा, ठीक है, ये तो इमीडिएटली करना है। बाकी जो चीज़ें दसी हैं ये नाल रेगुलर कर देना, ठीक है। जब भी कीड़ा लगे हत्ती लस्सी का स्प्रे मारना। आज हम लोग ये जो किचन गार्डनिंग के टिप्स का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो आप देख सकते हैं छत के ऊपर अगर किचन गार्डनिंग करनी हो तो सब कुछ संभव है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि असली चीज़ आजकल मिलती कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन है, ये छत पे ही पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो अपनी सब्जियां हैं खाने की वो लगाई हुई हैं, और ये अभी आपने देखा अमरूद भी यहाँ लगा हुआ है, नींबू आपको दिखाया गया लगा हुआ है। तो अगर आप करना चाहें तो किया जा सकता है, और कोई आपकी क्वेरी हो, सब्जियां काम नहीं कर रही हैं, फसल बढ़ नहीं रही है, कीड़ा लगा हुआ है, तो इस वीडियो के थ्रेड में भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।